नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं संपूर्ण बाजार राहुल नगर मड़िया आजमगढ़, सामानों पर 10-40% तक की छूट। क्रॉस वैली इंटरनेशनल स्कूल कुकुलीपुर सठियाव आजमगढ़ और वुडन टच भवनाथ आजमगढ़। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ मैदान में आएगी। एक तरफ सोमवार को पूरे यूपी में कांग्रेस महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ सड़क पर है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी लखनऊ आने का कार्यक्रम बना लिया है। नई दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई बैठकें करने के बाद उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा अब 14 को लखनऊ दौरे पर रहेंगी। कहा जा रहा है कि प्रियंका 4 दिनों तक यूपी में रहेंगी। इस दौरान उनका आजमगढ़ भी आना हो सकता है। आजमगढ़ में दलितों पर पुलिस के अत्याचार को लेकर प्रियंका गांधी ने पिछले दिनों योगी सरकार पर हमला किया था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश से जुड़े पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करने में लगी थी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति को लेकर चर्चा के बाद कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा अब धरातल पर हकीकत को परखना चाहती हैं। इसी क्रम में वह 14 जुलाई को लखनऊ का दौरा करेंगी। लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में उनका दरबार लगेगा। प्रियंका गांधी बीते कई दिन से उत्तर प्रदेश कांग्रेस सलाहकार परिषद और रणनीति समूह की इस डिजिटल बैठक में महंगाई के साथ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा, महिला विरोधी अपराधों और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर तैयारी कर रही थी। इसी दौरान वो उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी लगातार हमला बोलने के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भी भेज रही थी। अब वो प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ उत्तर प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी एवं जंगल राज के खिलाफ मजबूती से सड़कों पर उतरेंगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह का कहना है कि हमें लखनऊ बुलाया गया है, प्रियंका जी का आजमगढ़ में कार्यक्रम है, इसकी जानकारी अभी नहीं है। जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह जिला मुख्यालय स्थित नेहरू हॉल में संपन्न हुआ। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने सबसे पहले नव निर्वाचित अध्यक्ष विजय यादव को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद अध्यक्ष ने जिले के 83 जिला पंचायत सदस्यों को शपथ ग्रहण कराई। विजय यादव जो अध्यक्ष जिला पंचायत आजमगढ़ निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा संस्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा अध्यक्ष के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं जो सदस्य जिला पंचायत आजमगढ़ निर्वाचित हुआ हूँ कि मैं विधि द्वारा संस्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुत्व और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा सदस्य के रूप में कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। इसके बाद जिला पंचायत बोर्ड की बैठक हुई। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान आपको बता दें कि आजमगढ़ जिला पंचायत 1995 में गठित की गई थी। इसके बाद समाजवादी पार्टी 6वीं बार इस सीट पर काबिज हुई है, जबकि 2 बार बसपा का अध्यक्ष बना है। इस मौके पर जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा कि जिला पंचायत का कार्यकाल आज से शुरू हो जाएगा। उन्होंने निर्वाचित अध्यक्ष सदस्यों को शुभकामनाएं दी। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वाईएमएलसी बलराम यादव, पूर्व सांसद रमाकांत यादव, नंदकिशोर यादव, पूर्व मंत्री व सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, चंद्रदेव राम यादव, विधायक आलमबदी संग्राम यादव, नफीस अहमद, सपा जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, जिला महासचिव हरिप्रसाद दुबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अभिषेक राय, नव निर्वाचित ब्लॉक प्रमुख पलानी प्रमोद यादव आदि मौजूद रहे। 12 जुलाई को आजमगढ़ जिला पंचायत अध्यक्ष श्री विजय यादव जी को शपथ ग्रहण कराई गई है। उनके द्वारा सभी सदस्य गणों को भी
शपथ ग्रहण कराई गई है। आज से विधिवत सदन जो है वो सभी ने अपना अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। मैं पुनः सभी को बधाई देता हूँ, माननीय अध्यक्ष जी को और सभी सदस्यगणों को बधाई देता हूँ उनके नए दायित्व के लिए। आजमगढ़ के बिलनियागंज थाना क्षेत्र के मदनापार पुलिया के समीप स्थित बाग में एक दिन पूर्व दोपहर 25 वर्षीय युवक मनीष मिश्रा पुत्र राकेश मिश्रा निवासी गड़ेरुआ थाना जीएनपुर की चाकू से गला रेत कर शव मिलने के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जबकि हत्या में शामिल एक अन्य की तलाश की जा रही है। गिरफ्तार युवक कंद्रापुर थाना के सहदा निवासी रुपेश उपाध्याय पुत्र स्वर्गीय दिवाकर उपाध्याय है, वहीं फरार सागर तिवारी पुत्र स्वर्गीय ब्रजेश तिवारी निवासी धनकपुर थाना सिधारी है। आरोपित के कब्जे से एक तमंचा कारतूस के साथ ही हत्या में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया है। अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि मृत युवक व आरोपित दोनों एक ही लड़की से प्यार करते थे। आरोपित के अनुसार उसने कई बार चेतावनी दी थी लेकिन नहीं मानने पर हत्या की। घटना में अपने रिश्ते के भांजे को भी शामिल किया था। घटना के मुताबिक रविवार को सुबह मनीष मिश्रा अपने पिता राकेश मिश्रा को बाइक से आजमगढ़ स्टेशन लाकर सूरत के लिए ट्रेन पकड़ाया था। इसके बाद वो पटवत स्थित सहजानंद कॉलेज में, जहां वो ITI द्वितीय वर्ष का छात्र था, वहां से एडमिट कार्ड लिया और एडमिट कार्ड लेकर वापस घर जा रहा था। तभी बिलरियागंज जीएनपुर मार्ग पर थोड़ा हटकर एक बाग के किनारे झाड़ी में उसकी घात लगाकर पहले से बैठे हमलावरों ने हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गए थे। युवक की बाइक लावारिस हालत में वहीं पड़ी थी, जिसमें चाबी भी लगी हुई थी। गाँव वालों ने बाइक व शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। कल बिलरियागंज में एक चाकू लगी लाश मिली हुई थी और उनकी पहचान जैनपुर के एक युवक के रूप में हुई थी। जब इसकी तफ्तीश की गई तो एक अभियुक्त की गिरफ्तारी इस मर्डर में हुई है और इसका नाम रुपेश उपाध्याय है। ये सारा मामला यह है कि ये जो हत्या है प्रेम प्रसंग में हुई है। ये भी एक लड़की से प्रेम करता था और मृतक भी एक लड़की से प्रेम करता था। उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए इसके द्वारा अपने भांजे के साथ मिलकर हत्या की गई। इसमें इसके बाद से तमंचा कारतूस बरामद हुए हैं, घटना प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है और ये अब एक जो आला कतल है चाकू वो बरामद हुआ है जिससे गला काटा गया था। सारी चीज़ क्लियर हो गई है और ये पूरी तरह से प्रेम प्रसंग का मामला था जिसमें उस नवयुवक की हत्या हुई थी। तो सर आप कहेंगे कि एक ही लड़के से दो लड़के, हाँ एक लड़के ये भी प्यार करते थे और मृतक भी प्यार करते थे, तो उसे रास्ते से हटाने के लिए इसने उसकी हत्या की। इसके बाद से ये आपके तमंचा बरामद हुआ, कारतूस बरामद हुआ, मोटरसाइकिल घटना प्रयुक्त बरामद हुई और चाकू बरामद हुआ जिससे गला काटा गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय सचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी आजमगढ़ के पलिया गांव में पुलिस द्वारा की गई बर्बर कार्रवाई के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए लगातार नजर बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह के दिशा निर्देशों में कांग्रेस लगातार आंदोलन को तेज कर रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष विश्व विजय सिंह, उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव अहमद शमशाद लगातार पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जनपद में डेरा डाले हुए हैं। वहीं जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह वरिष्ठ नेताओं के साथ जनपद में भ्रमण कर जनपद के सभी पुलिस से प्रताड़ित लोगों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ा रहे हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए आश्वस्त कर रहे हैं। इसी क्रम में आज कलेक्ट्रेट स्थित रिक्शा स्टैंड पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सचिव अनिल यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस सचिव संतोष कुमार, शहर युवक कांग्रेस अध्यक्ष अमर बहादुर यादव, NSUI के उत्तर प्रदेश सचिव मंजीत यादव, NSUI आजमगढ़ के अध्यक्ष विशाल दुबे अनिश्चितकालीन उपवास पर विगत 7 जुलाई से बैठे थे। आज महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत और पूर्व सांसद उदित राज धरना स्थल रिक्शा स्टैंड पहुंचे और जूस पिलाकर सभी कार्यकर्ताओं का धरना समाप्त कराया। इस दौरान श्री रावत ने बताया कि हमारे न्याय की लड़ाई अभी शुरू हुई है। प्रशासन पलिया कांड में लीपापोती करने पर उतारू है, जो हम नहीं होने देंगे। आज हमारी जहानगंज क्षेत्र के गुधरा में दलित महापंचायत है, हम वहां से आगे की लड़ाई तय करेंगे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पलिया में दलित परिवारों का उत्पीड़न किया गया, उनके मकान को JCB लगाकर ढहाया गया, उसमें कहीं ना कहीं DM और SP दोनों मिलीभगत है। इन दोनों अधिकारियों पर प्रदेश सरकार कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि जब से योगी सरकार सत्ता में आई है, उत्तर प्रदेश में दलितों का उत्पीड़न बढ़ गया है। आए दिन दलित महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है। प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर फेल है। सत्याग्रह का काम ये जो यहाँ जो चालू किया वो किसी न्याय के लिए किया है और न्याय की परिकल्पना ऐसी है कि न्याय इतने जल्दी आसानी से हमें देने वाले नहीं।
जो प्रशासन है प्रशासन की ज्यादती चल रही है, प्रशासन का जो दोषी व्यक्ति है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उसका तबादला होना चाहिए, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जहाँ तक न्याय की लड़ाई है, यह तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, तो ये तो हमारी लड़ाई जारी रहने वाली है। हम अभी इनको लेके जा रहे जनता की अदालत में, जहाँ दलित महापंचायत हो रही है, और दलित महापंचायत अभी अगली लड़ाई लड़ने वाली है, तो ये लड़ाई हमारी रुकेगी नहीं, जारी रहेगी। देखिए, जो दलित समाज का गरीब व्यक्ति थोड़ा सा भी अगर ऊपर उठता है और कई अच्छे मकान में लगता है तो लोगों की जलती है, लोग ईर्ष्या से देखते हैं, उनको पसंद नहीं आता, और यही वजह है कि इनका मकान गिराया गया, यहाँ पे ज़बरदस्ती गिराया गया। हम तो नागपुर से आए हैं, दीक्षा भूमि से हमारा ताल्लुक है, जहाँ परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की कर्मभूमि रही है, वहाँ टीवी पे हम देख रहे थे कि हमारे दलित भाई का मकान किस ढंग से गिराया जा रहा है। अगर इनमें हिम्मत इतनी है तो ये कानून बताए ना हमको कि किस कानून के तहत ये मकान गिराया गया। लेकिन इनको दलितों की बढ़ाई बढ़ती सम्मान है वो पसंद नहीं है। मैं तो चाहूँगा कि यहाँ के एसपी पे और जिलाधिकारी पे तुरंत कार्रवाई हो। योगी सरकार कहीं ना कहीं फेल है दलितों को न्याय दिलाने में। योगी सरकार तो जब से आई है तब से फेल है भाई। कहाँ पे पास हुई है वो? दलितों पे अन्याय हो रहा है, हर दलित महिला की इज्जत लूटी जा रही है, बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, कोई नई इंडस्ट्री आ नहीं रही है। यहाँ पे भारत देश का सम्मान है, हिंदुस्तान का सम्मान है, वो सम्मान तिरंगे के तीन कलरों में है, केवल एक भगवे में नहीं हो सकता। जब तक वो तीन नहीं मिलेंगे तब तक ये देश अच्छा नहीं हो सकता है, ध्यान में रखना चाहिए आपने। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने आज दलितों को न्याय दिलाने के लिए आजमगढ़ के जहानगंज क्षेत्र के स्थित गुदरा में दलित महापंचायत बुलाई है, जिसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी शिरकत करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का गुदरा गांव जाते समय कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सगरी तहसील क्षेत्र के राजादेपुर बाजार में दोपहर लगभग 1:40 पर पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश रहा। सुबह 10 बजे से ही कार्यकर्ताएं उनका इंतजार करते रहे और दोपहर 1 बजे तक सैकड़ों कार्यकर्ताओं की स्वागत करने के लिए भीड़ लग गई। दोपहर को जब वो राजादेपुर पहुंचे तो जिंदाबाद के नारों के साथ फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान स्वागतकर्ताओं में अजीत राय, मुकेश राय, राणा खातून, मेहताब आलम, आशुतोष द्विवेदी, अरविंद जायसवाल सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बलिया और गोधौरा में जिस तरह दलित परिवार के लोगों के घरों को तोड़ा गया है, महिलाओं को, बच्चों को मारा पीटा गया है, उनके घरों को तोड़ा गया है, 307 जैसी गंभीर धारा में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, सिर्फ उनका दोष यही है कि वो अपने अधिकारों के लिए धरने पर बैठकर अपनी मांगों को कर रहे थे। आज उत्तर प्रदेश में संविधान और लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, दलित भाइयों के अधिकार को छीना जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी पिछले दिनों बलिया गांव और गोधौरा गांव के सम्मान की लड़ाई को धरने के माध्यम से लड़ने का काम किया था। आज इस पंचायत के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, सरकार कितनी भी ताकतवर हो, कितनी भी तानाशाह हो, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता दलित भाइयों के सम्मान की लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। और पलिया में, गोधौरा में जिन लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे लिए लिखे गए हैं, सरकार तत्काल उसको वापस ले। जो लोग इस पूरी घटना में पुलिस के अधिकारी लिप्त रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे। यह आंदोलन थमेगा नहीं, इस लड़ाई को और भी मजबूती के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के गांव गलियारों में ले जाऊंगा, विधानसभा में भी कांग्रेस पार्टी उठाएगी, सरकार को जवाब देना पड़ेगा।
आगे क्या रणनीति है गोधौरा को लेकर? मैंने आपको अभी बताया कि इस पूरे प्रदेश में इस लड़ाई को हम लेकर जाएंगे, गांव गली चौराहों पर लेकर जाएंगे, विधानसभा में भी मजबूती से उठाएंगे और पलिया और गोधौरा के लोगों के न्याय की लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। विजय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं माँ कौशल्या स्कूल ऑफ नर्सिंग कॉलेज की तरफ से कोरोना महामारी के कारण दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन डॉक्टर मनीष त्रिपाठी द्वारा किया गया, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान कर महादान दिया। इस मौके पर अम्बरीश जी, जिला प्रचारक संजीव जी एवं नगर प्रचारक डॉक्टर पारिजात बनवाल, अनिल त्रिपाठी, रणविजय सिंह, विपिन मौर्य, पंकज सिंह, परमवीर एवं अस्पताल के समस्त स्टाफ ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर ऑर्थोपेडिक सर्जन एवं सेवा भारतीय चिकित्सा अध्यक्ष डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण दिवंगत हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। महामारी के कारण ब्लड बैंक में ब्लड की आवश्यकता रही, जिसके कारण कोरोना काल में कई मौतें हुई, इसलिए कोरोना महामारी की तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए इस कैंप का आयोजन किया गया है। रक्त करने से शरीर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है, शरीर स्वस्थ रहता है। इस दौरान रक्त करने आए लोगों ने बढ़ चढ़ कर महादान दिया। और आज हमारे यहाँ ब्लड डोनेशन का कैंप है, सैकड़ों लगभग 100 होने जा रहा है, 100 लोग आके, 100 युवा भाई लोग ने आके यहाँ ब्लड डोनेशन किया है। और इससे जो है जितने समाज में जो भी कोई बीमार पड़ता है, जिसको ब्लड की आवश्यकता है, तो उससे उसकी मदद, उसको मदद पहुंचती है। आज क्या सोचकर आपने ब्लड कैंप किया? हमारे यहाँ हर 6 महीने पे हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप कराते हैं। इस बार कोरोना काल के कारण इस बार थोड़ा डिले हो गया, तो फिर आज मुझे कई दिन से था कि आज कराऊं, नहीं तो वापस थर्ड तीसरी लहर आने की बात हो रही है, तो मैं करा लेना चाहिए, क्योंकि यूजली जब लोग बीमार पड़ते हैं तो उसमें ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो ब्लड बैंक में भी ब्लड की आवश्यकताएँ होने लगी थी, क्योंकि लोग इस महामारी के कारण कोई ब्लड देने बाहर गया नहीं, तो ये सारी समस्याओं का हमने अभी जुलाई में ब्लड डोनेशन कैंप रखा। ये एकदम गलत फहमी है, मैंने ब्लड देने से हमारे शरीर की मजबूती बढ़ती है, मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, और जो आपके जीवन में जितना भी हमारे शरीर में ब्लड रहता है, जो जीवन भर में कभी नहीं बढ़ता है, 12-13 तक ही रहता है, 12-13 ग्राम परसेंटेज रहता है, ब्लड डोनेशन के बाद वो बढ़ने लगता है। आप खुद महसूस करेंगे 14-15 जब अगली बार आप चेक कराएंगे तो ब्लड बढ़ा रहता है, और इसी हमारी इस अभियान को आगे और बढ़ाने के लिए हमारे भाभी प्रमुख जी दीपक भाई भी आए हुए हैं। अभी कल इन्होंने चुनाव जीता प्रमुख का, और आज ब्लड डोनेशन करने आए, तो ये बहुत भी हमारे ब्लड बैंक के लिए, बहुत डोनेशन कैंप के लिए बहुत अच्छी वो है, शुभकामनाएं। मनीष त्रिपाठी जी द्वारा इस कैंप का आयोजन किया गया है और इनके कुशल नेतृत्व में हम लोग ब्लड डोनेशन करने आए हैं। ऐसे आयोजन से जो कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं उनको ब्लड नहीं मिल पाता, उनकी मदद होती है, और डॉक्टर साहब हमेशा इस काम को करते रहते हैं और उनके नेतृत्व में करने आए आपके द्वारा। और ये जो कोरोना महामारी की तीसरी लहर आने वाली है, और दूसरी लहर में इतने ढेर सारी जो मौतें हो गई हैं, जिसमें बहुत सारी मौतें रक्त की कमी के कारण भी हो गई, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये जो कैंप कराया गया है बहुत ही अच्छा काम है। इस तरह के कैंप के आयोजन और भी लोगों को करने चाहिए, जो भी समाजसेवी वगैरह लोग हैं, इन लोगों को भी इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। रविवार के दिन उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ जनपद आजमगढ़ की जनपद स्तरीय कार्यकारिणी की जिला अध्यक्ष शिखा मौर्य, महामंत्री अंशु अस्थाना, उपाध्यक्ष प्रतिभा श्रीवास्तव, संयुक्त मंत्री अलका श्रीवास्तव व ब्लॉक संयोजक निधि राय द्वारा सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव एवं विधायक सगड़ी वंदना सिंह को महिला शिक्षिकाओं के लिए 3 दिन की पीरियड लीव के संबंध में ज्ञापन सौंपा तथा शिष्टाचार भेंट की। इस विषय से संबंधित ज्ञापन प्रदेश अध्यक्ष महोदया सुलोचना मौर्य के द्वारा प्रदेश स्तर पर पहले ही दिया जा चुका है। विधायक द्वय के द्वारा बहुत ही सकारात्मक उत्तर प्राप्त हुआ है कि पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि ये मांग सर्वथा अनिवार्य है, और उन्होंने महिलाओं की पीरियड लीव के मुद्दे को राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। सगड़ी विधायक वंदना सिंह ने कहा कि ये महिलाओं के लिए जायज मांग है, और मैं अगले सत्र में विधानसभा में इस मुद्दे पर प्रश्न रखूंगी। विधायक द्वय द्वारा महिलाओं के इस अनिवार्य मांग के लिए पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया गया है। महिला शिक्षक संघ की अध्यक्ष शिखा मौर्य ने महिला शिक्षिकाओं को एकजुट होकर महिला शिक्षक संघ के माध्यम से संघर्ष करने का आह्वान किया और कहा कि निश्चित ही हमें समस्या का समाधान जल्द प्राप्त होगा।
महामंत्री अंशु अस्थाना ने कहा कि महिला शिक्षक संघ इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएगा और सफलता मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। प्रदेश महिला शिक्षक संघ आजमगढ़ की तरफ से आज हम लोगों ने पीरियड लीव के संबंध में अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि माननीय श्री दुर्गा प्रसाद यादव विधायक सदर और माननीय श्रीमती वंदना सिंह विधायक सगड़ी को एक ज्ञापन सौंपा है। हमारी प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना मौर्य द्वारा प्रदेश स्तर पर यह ज्ञापन पहले ही सौंपा जा चुका है। अब विभिन्न जिलों में अपने जनप्रतिनिधियों को हम यह ज्ञापन सौंप रहे हैं। दोनों विधायकों ने कहा है कि हम आपकी इस मांग को शासन तक पहुंचाएंगे। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बिलरियागंज ब्लॉक से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रही शुभ्रा राय पत्नी दुर्गादास शर्मा ने बिलरियागंज ब्लॉक से प्रमुख चुनी गए उर्मिला यादव के पति रमेश यादव पर ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान गंभीर साजिश का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि रमेश यादव ने उनके साथ एक फोटो वायरल कर समर्थन देने की बात कही, जबकि इसमें सच्चाई नहीं थी। कंद्रापुर थाना क्षेत्र के देवड़ा दामोदरपुर गांव निवासी दुर्गादास शर्मा ने कहा रमेश यादव के खिलाफ वो मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे। रविवार के दिन जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि ब्लॉक प्रमुख पद के प्रत्याशी रही उर्मिला यादव और गीता यादव पत्नी दिनेश कुमार यादव एवं उनके परिवार के ऊपर अवैध रूप से सरकारी संपत्तियों के हड़पने व चोरी के आरोपों को उन्होंने निर्वाचन अधिकारी के समक्ष रखा था, लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। कहा कि उर्मिला यादव के निर्वाचन को लेकर वो माननीय हाईकोर्ट के समक्ष गुहार लगाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उनका निर्वाचन रद्द हो। श्रीमती शुभ्रा राय ब्लॉक बिलरियागंज से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी थी। आपको इस बात से अवगत करा देना चाहता हूँ या इस बात को मैं स्पष्ट करा देना चाहता हूँ कि मेरे पत्नी के ऊपर बेबुनियादी आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसका जो है दूर दूर तक उससे कोई वास्ता नहीं है। उस ब्लॉक से निर्दल प्रत्याशी उर्मिला यादव पत्नी रमेश यादव ने इस बात को जो है बताया या मेरा एक फोटो लगा करके इस बात को उन्होंने दर्शाया कि मैंने जो है उस प्रत्याशी का समर्थन कर दिया, लेकिन यह बात पूरी तरह से मैं एक सिरे से खारिज करता हूं या उसका जो है निंदा करता हूं कि उन्होंने जो है मेरी फोटो का गलत इस्तेमाल किया, जिसके लिए जो है मैं उनके ऊपर मानहानि का जो है दावा करूँगा और उनको बताऊँगा जो है कि आपने जो किया है कतई जो है जायज नहीं है। जैसा कि मैं भैया आपको बताना चाहता हूं कि मेरी पत्नी के अलावा वहां पे दो और कैंडिडेट थे, उर्मिला यादव पत्नी रमेश यादव, गीता यादव और पत्नी दिनेश कुमार यादव। मैं उन दोनों लोगों के विरुद्ध जो है वहां पे ऑब्जेक्शन फाइल किया था, लेकिन एआरओ ने जो है उस आपत्ति को नज़रअंदाज कर दिया। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि दोनों लोगों ने गलत शपथ पत्र लगाया हुआ था। रमेश यादव ने जो है अपने शपथ पत्र में एक अपने जमीन का जिक्र किया हुआ है जहां पे उनका घर लक्ष्मीरामपुर में बना हुआ है, वो गाटा संख्या 512 है। जब मैंने उसका जो है रजिस्ट्री ऑफिस से या तहसील से जो है स्पष्टीकरण मांगा तो मुझको पता चला कि वह जमीन मात्र 28 कड़ी है, लेकिन उन्होंने उसमें जो है 400 कड़ी दर्शाया हुआ है। तो वह 400 कड़ी कैसे हुई, क्योंकि उस जमीन के जस्ट बगल में जो है एक चारागाह है जो कि 511 नंबर में है और वह जो है उस पर अपना जो है कब्जा जमा रखे हैं, और जस्ट उसी के बगल में एक 513 नंबर भी है जो कि नवीन परती है, लेकिन गलत तरीके से उन्होंने उसको जो है उसका बैनामा कर रखा है। तो निश्चित रूप से यह गलत है और सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि ऐसा कैंडिडेट जो है कतई योग्य साबित नहीं हो सकता या ऐसे कैंडिडेट को जो है प्रमुख नहीं बनाया जा सकता जिनका जो है सरकारी जमीनों पे अवैध कब्जा है। तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी मेरे पास है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इन सारे जो है इन सारे प्रकरण को लेकर के मैं उस प्रत्याशी अर्थात जो है उर्मिला यादव पत्नी रमेश यादव को मैं उच्च न्यायालय में चैलेंज करूंगा और निश्चित रूप से 6 महीने के अंदर उनको डिस्क्वालीफाई कराने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। निर्वाचन अधिकारी से मैंने बार बार यह आग्रह किया, यह निवेदन किया कि आप इसको जो है गहराई से इस पे अध्ययन करिए और इसका जो है आप निस्तारण सही तरीके से करिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की यह गाइडलाइन है कि ऐसे कैंडिडेट ब्लॉक प्रमुख पद के योग्य नहीं हो सकते जो सरकारी भूमि पर जिनका कब्जा हो या जो संगीन धाराओं में आरोपित हों। तो मैं निश्चित रूप से इस पूरे मसले को जो है उच्च न्यायालय में चैलेंज करूंगा और उर्मिला यादव पत्नी रमेश यादव के निर्वाचन को खारिज कराने का हर संभव प्रयास करूंगा या उनको डिस्क्वालीफाई कराने के लिए मैं वहां पे पूरी ताकत से काम करूंगा। और दूसरे प्रत्याशी गीता यादव
पत्नी दिनेश कुमार यादव के ऊपर तमाम जो है संगीन धाराओं में आरोप है। धारा 307 का जिक्र उन्होंने अपने शपथ पत्र में नहीं किया हुआ है, जबकि जब मैंने थाना बिलरियागंज से सही जो है रिपोर्ट मांगी तो मुझको पता चला कि उनके उनके और उनके पत्नी के ऊपर धारा 307 का जो है मुकदमा लगा हुआ है, लेकिन अपने शपथ पत्र में उन्होंने इस धारा का उल्लेख नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि आप ऐसे साक्ष्यों को जो है अगर छुपाएंगे तो कतई निश्चित रूप से आपका पर्चा खारिज हो जाना चाहिए, लेकिन इन सारी बातों के बाद भी निर्वाचन अधिकारी ने इन बातों को नज़रअंदाज किया। मेरे बार बार कहने के बाद भी उन्होंने कहा कि मैं इस जो है मसले को लेकर के जनपद पे जाता हूं और वहीं पे इस फाइल का जो है इस ऑब्जेक्शन का निस्तारण करूंगा, लेकिन अंधकार में रखते हुए बगैर उस ऑब्जेक्शन का जो है अध्ययन किए हुए बगैर उसकी सुनवाई किए हुए जो है उन्होंने जो है उन प्रत्याशियों को जो कि अयोग्य होने चाहिए थे उनको जो है योग्य साबित कर दिया, तो यह पूरी तरह से गलत है और इस पूरे प्रकरण को मैं उच्च न्यायालय में निश्चित रूप से लेकर के जाऊँगा। सगड़ी तहसील के पलिया गांव में पुलिस के उत्पीड़न के खिलाफ लोगों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को सामाजिक उत्पीड़न विरोधी मोर्चा ने धरना देते हुए शासन प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। धरने के जरिए मोर्चा ने पीड़ित परिवार के क्षतिग्रस्त मकानों, घरेलू सामानों, वाहनों, गहनों व अनाज की क्षतिपूर्ति शीघ्र से शीघ्र किए जाने की मांग की। ग्रामीणों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाने और दोषी अधिकारियों, पुलिस कर्मियों को बर्खास्त किए जाने की भी मोर्चा ने मांग उठाई। वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़ अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, क्लच डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुँचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। संपूर्ण बाजार राहुल नगर मड़िया आजमगढ़। किराना स्टोर, जनरल मर्चेंट, कॉस्मेटिक, फास्ट फूड, होम एंड किचन के सामानों का आजमगढ़ का सबसे बड़ा प्रतिष्ठान। फूड ग्रेन्स, ऑयल्स और सभी प्रकार के मसाले, कॉस्मेटिक स्टोर, स्नैक्स स्टोर, समर ड्रिंक एंड बेवरेजेस, क्लीनिंग एंड हाउस होल्ड, होम और किचन के प्रोडक्ट, बेकरी स्टोर, डेयरी प्रोडक्ट, सभी सामान मार्केट रेट से सस्ता और अच्छा, 10-40% तक छूट। पतंजलि के सामानों पर 15% तक विशेष डिस्काउंट। शादी विवाह के सामानों की खरीदारी पर स्पेशल ऑफर। संपूर्ण बाजार राहुल नगर मड़िया आजमगढ़।